गाइस हम लोग वहां से उतरे और यहां से एक शॉर्टकट रास्ता है, तो ये रास्ता जाता है सलोटा की ओर और हम जा रहे हैं सलोटा। तो देखो सलोटा का रास्ता, सलोटा पे उतरते ये केव देख गए। तो इसमें तीन तीन अलग अलग डिवीजन है, तो अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे, अंदर नहीं झांकना है, अभी बहुत कवर करना है। तो चलो चलो तो गाइस अभी हम आए हैं ये दूसरी गुफा सलोटा की, और सालेर की तो टोटल एक दो तीन चार केव है जिसमें हम गए नहीं। हाँ ये तो छोटा है, वो अभी गुफा में पीस चला गया अंदर। तो ये तीसरी केव है ना, तो ये है तीसरी केव। यहाँ साफ सफाई अच्छी लग रही है, मतलब यहाँ कोई कैंपिंग करके गया। तो गाइस ये तीसरी केव आ चुकी है, अभी आगे और केव है जो आपको मैं दिखाते रहूँगा। तो चलो तो गाइस कैसी कैसी जगह से हमें पास होना पड़ता है वो आपको दिखा रहे हैं। ये है चौथी केव और लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, कैंपर बनते हैं बाद में। और हम कैंपर सांप को बहुत क्लोजली मारते हैं। और ये व्यू देखो भाई, इतना फॉग जम गया है पूरा, आगे भी पूरा फॉग फॉग। गाइस ये है पांचवी केव भाई, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। अभी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सालेर में कितनी केव है सलोटा में जाते समय। तो और भी देखते हैं, सलोटा ट्रैकिंग हार्ड है लेकिन मज़ा तो लेना है, और मेरे शूज़ ग्रिप नहीं पकड़ रहे इसलिए, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये छठी केव, और सातवीं केव, आठ नौ दस, दस केव तो यहाँ पर ही है। गाइस केव में क्या क्या है गुफाओं में वो आपको दिखाता हूँ, कितनी डीप है वो दिखाता हूँ, देख लो इतनी डीप है। और बहुत सारी 10 गुफा मैंने यहाँ तक गिनाई, अभी आगे कितनी है वो पता नहीं। और एटमॉस्फेयर देखो, पूरा फॉगी वेदर, अगर यहाँ से कोई गया ना तो सीधा ऊपर ही जाएगा, कोई शक ही नहीं है। तो अभी हम आए हैं जन्नत में, जैसे जन्नत का फील हो रहा है। गाइस ये है 11वीं केव, टोटल सालोटा में कितनी केव है पता नहीं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है केव को देखने में। 11 केव, तो गाइस यहाँ पे ड्रिंक ब्रेक हो रही है, तो ऊपर से भी पानी आ रहा है, ये करना जरूरी है, डिहाइड्रेट हो सकते हैं यहाँ पर आते ही। तो आप पानी देख कर आओ कमांडो। वेल और ये मुझे बड़ी दिख रही है, ये टेल केव, ये बड़ी है, कलाकना ब्लॉग बनाऊ छे।
और टाइम उधर हुए तो कल्ला का व्लॉग बनाओ जरूर। तो गाइस ये है 13 केव, तो नज़ारा देखिए बहुत ही बेहतरीन है। तो गाइस ये है 14 नंबर की के, और यहाँ पे भी ट्राई करी है लेकिन हुआ नहीं है। और ये गेट आ गया, उसके बाद तो गेट आ गया, अब नीचे चलते हैं। गाइज अभी ये स्टेयरकेस नीचे उतरते ही क्या आता है आपको दिखा दें, तो चलो हमारे साथ। चढ़ उतर चढ़ उतर हो रहा है हमारे साथ, पर यही तो मजा है भाई। तो गाइस ये है 15वें केव और ये तीसरा दरवाज़ा जहाँ से हम पास हो रहे हैं, और नीचे है जेने। कल पेशने आ गए तो बहुत जोर से इधर पवन आ रही है, और वो बोल रहे हैं बहुत लागू से। चल जीगा धीरे धीरे नीचे जाओ, इधर कोई जा नहीं है पपड़ी ना लो।
हाइकर या यामा भी अभी थक गए हैं। अभी चले गए हैं, मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ। सलोटा से नीचे उतर रहे थे, ये स्टेयर केस के बाद क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो खतरनाक वाला व्यू, ये पूरा राउंड शेप में कट किया ऐसा लग रहा है, लेकिन है कुछ अलग ही, उसको बहुत अलग तरीके से काटा है। और फिलहाल मुझे सपोर्ट दे रहा फिर से पीयूष और जयमीन, हमारा आज का वीडियो वीडियो मैंने सपोर्ट करेगा वीडियो के लिए। तो अभी उसको कैमरा थमा देता हूँ और आते हैं धीरे धीरे, क्योंकि फोन बहुत एक्चुअली ये है, हम सालेर से सलोटा करने की ट्राई कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। ये रास्ता सलोटा की ओर जाता है। अभी ये तीसरा गेट, तीसरा या चौथा मैं भी भूल गया, लेकिन तो गाइस ऐसा है कुछ सीन खतरनाक वाला। और अभी बारिश
के वजह से बादल चले गए हैं, तो फिलहाल ये बादल की वजह से ये पूरे जो फॉगी वेदर था वो चला गया, और अभी हम नीचे जा रहे हैं और ये व्यू देखो पूरा, बारिश आ रही है साथ में, बहुत हो गए इस पर। चलो गाइज, अभी हम जा रहे हैं सलोटा पे, और वो मैं बोल रहा था सलोटा वो सलोटा नहीं है एक्चुअली, सलोटा की क्यों नहीं, वो सालेर की है, लेकिन वो सलोटा वाला रास्ता है, सलोटा ओरिजिनल ये वाला है, ये पहाड़, तो रास्ता बहुत ऐसे ऐसे उतरना है और फिर ऐसे ही ट्रेल से ऊपर जाना है, तो रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन आज कम्प्लीट करेंगे, करेंगे ना, करेंगे जरूर। गाइज ये चढ़ के आए पूरे सालेर, अभी यही ट्रेल कनेक्ट होती है सलोटा पे, तो सलोटा पे जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं सलोटा पे, अभी बस ये ट्रेल डायरेक्टली सिटी कनेक्ट होती है सलोटा पे, तो अभी सलोटा पे चढ़ेंगे और उसके बाद सीधा उतर के घर पे अपने बाइक लेके। ये ट्रेल कनेक्ट होती है ये वाले सलोटा के, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं सलोटा पे, और बहुत ही ज़्यादा विंड आ रही है उसके वजह से साउंड भी कम आ रहा होगा आपको, लेकिन कोई नहीं। तो गाइस यहाँ है सप्तसंगी मंदिर ऐसा हमें लग रहा है, और ये हमने पूरा कवर किया, देखो कितना जायंट लुक है इसका सालेर अभी, और ये कवर करना है, इसका भी जायंट लुक है, अभी पता चल जाएगा ट्रैकिंग के टाइम। बहुत ही हाई है, इसको देखते ही भाई डर लगता है, तो ये करके आए हम, तो अभी चलते हैं। कुणाल भी ब्लॉग कर रहा है, लेकिन रखेगा भाई, चलो फोन में, तो चलो अंदर से चलते हैं। एक बार पीछे का नज़ारा देखो, हम कहाँ से है वो रास्ता भी नहीं दिख रहा। हम लोग हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा रास्ते में कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ से जाना है, हमारे आगे बंदे गए, उन लोगों ने कुछ आंसर नहीं किया, तो फाइनली अभी उसका कॉल आया कि यही रास्ता सही है, तो यही से ऊपर आओ, तो अब हम यही से जा रहे हैं, तो चलो ऊपर, बहुत ऊपर जाना है। गाइज हम लोग हैं ना सुबह सालेर फोर्ट चढ़े, अभी दोपहर के बाद अब चल रहे सलोटा, दोनों बहुत हाई टॉप है और हम पहली बार ये कर रहे हैं, बहुत ही कठिन है, लेकिन हम कर लेंगे ना पीयूष, कर लेंगे, तो बहुत ही ऊंचा है ये भी, और वो तो साले तो सबको पता ही है भाई, तो चलो चलते चढ़ना ऊपर। यहाँ की ट्रेल सबसे ख़राब है, वो ऊपर वाली है ना वो तो पूरी ख़राब है, ऐसे चार पग करके चलना पड़ता है, और यहाँ पे तो बहुत ही हार्ड है।
कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? तो आपको एक बार व्यू दिखाते हैं, आप खुद ही जान जाओगे हम महिला। तो गाइस यहाँ पर मैं बकचोदी करना चाहता हूँ, यहाँ आपको रास्ता भी दिख रहा है क्या? और अभी तो हम वहाँ से, अभी वो दिख नहीं रहा होगा, अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, हमारे दो साथी नहीं आ रहे, तो हम बैग से यहीं मुक जा रहे हैं। तो और अभी हम ये लोग और हम जा रहे हैं, हमारे दो साथी नीचे है, आगे। तो गाइज अभी हम सलोटा फोर्ट पे चढ़ने वाले और लास्ट सीढ़ियां भागी है, तो ये ट्रैक सबसे डेंजर है और यहाँ पे आते आते हमने अपनी जान लगा दी, क्योंकि बहुत ही हार्ड ट्रैक था और बहुत सारे भाइयों ने सपोर्ट दिया, जयमीन, पीयूष, कुणाल, तो साथ में आए धीरे धीरे। मेरे ख्याल से ये हरिहर से ज्यादा रिस्की है, ये ट्रैक हरिहर से ज्यादा रिस्की है, जिसको एडवेंचर चाहिए वो जरूर। वो हम लोग हरिहर हरिहर भी हम लोग हरिहर जाके आए हैं, हमको ये ट्रैक हरिहर से ज्यादा रिस्की लग रहा है। अभी थोड़ा अभी हमको थोड़ी सीढ़ियां अभी चढ़नी बाकी है, वो कैसी है आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं गाइस। ये जिगर पटेल, पीयूष एंड कुणाल, कुणाल पहले जाएगा, बाद में जिगर पटेल, बाद में पीयूष और इन लोगों के पीछे मैं जाऊंगा। पहले कुछ बात नहीं, ये लोग जा रहे हैं अभी, इन लोगों के पीछे अभी मैं जाऊंगा। ये जो हार्ड वस्तु हो मैं अभी हार में मान। तो गाइस काफ़ी हार्ड सीढ़ी चढ़ने के बाद आया है फर्स्ट गेट सैलोटा का, और ये गेट चढ़ने के बाद बस थोड़ा जाना है और फिर ख़त्म, फिर वापस उतरेंगे। और नज़ारा दिखा तो आपको फर्स्ट गेट, यहाँ फोटो खिंचवा रहे भाई लोग। गाइस यहाँ पे गेट हो चुका है बंद, पत्थर बहुत ज़्यादा है तो छोटे से बगल में से आना पड़ता है, और मेरा वीडियो में दिखा लूँगा। हम लोग आ चुके हैं सलोटा फोर्ट, और ये है मोस्ट डेंजरस फोर्ट इन
अभी तक मेरा ट्रैकिंग के हिसाब से, और सब लोगों ने भी बोला है ये हरिहर फोर्ट से भी कठिन ट्रैक है, तो मेरे साथ हरिहर फोर्ट वाले भी आए थे, उसका भी एक्सपीरियंस मैंने देख लिया, तो उन लोगों ने भी बोला बहुत ही हार्ड ट्रैक है। तो यहाँ पर कभी भी आइए तो संभल के आए, लेकिन हमारा हो चुका है कम्प्लीट। और आज का जो मेरा मेन एम था वो था सलोटा कम्प्लीट करना, और वो मैंने कर लिया है, और साथ में पीयूष का फुल सपोर्ट रहा है, वरना मैं कभी सलोटा कम्प्लीट नहीं कर पाता और सालेर भी नहीं कर पाता आज, क्योंकि मेरी बूट की ग्रिप नहीं है और मेरे उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे तैसे करके मैं उतरा हूँ। तो कोई नहीं, अभी घूमते हैं सलोटा में क्या है, तो चलो बताता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर भी है केव, यहाँ पे है हरा पानी, और अभी चलते हैं, और यहाँ से सालेर दिखता है पूरा, और सालेर से दिखता है सलोटा पूरा, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और ये ट्रेल से हम जाने वाले शायद, अगर ये पकड़ पाए तो इजीली। और ये तीसरी केव है जिसमें कुछ नहीं है, और ये केव इसी केव से मल्टीपल केव से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अंदर क्या है दिखाता हूँ आपको। अरे भाई अंदर खाली है, लेकिन सब हॉरिबल है। यहाँ से चलते हैं जल्दी से जल्दी, अभी शाम होने वाली है, टाइम बच चुका है। कितने पीस? 4, 4.5, 4.5। तो 5:30-6 बजे तक हमें पहुँच जाना है, 1.5-2 घंटे में तो उतर जाएगा ना आराम से। उतर जाएगा। तो कोई नहीं भाई, अभी घूमने ही आए तो 1-2 घंटे ये सब चला लेते हैं। तो गाइस यहाँ भी रिस्की पेच है, और हमें आगे जाना है। It's a mystery that we never took a chance before. I'm looking at you and you're looking at me. All of a sudden it rains over me. All we ever wanted was crossing our ways tonight. चलो भी सुपर।
एकदम नॉर्मल से ते ता पेला गेला से मंदिर से ता ओके तो गाइज यहाँ पर एक तालाब जैसा है देखो, और अभी फटाफट हम वहाँ पे मंदिर होके आते हैं और फिर निकलते हैं। देखो व्यू देखो, सब पेचिस वगैरह देखो। बजरंग बली का मंदिर है और आ गए दबाई रखने। तो फाइनली गाइज हमने सलोटा कंप्लीट कर दिया। टॉप पे है एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर आने के बाद हमें जो खुशी मिली वो बहुत ही ऑसम थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक बने रहे मेरी चैनल पे। तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर कर देना। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। तो फाइनली ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। चलो बाय बाय।